हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। और इंदौर से जहां पीएसीएल कंपनी के निवेशक पहुंचे हैं सीबी के ऑफिस, तो पीएसीएल कंपनी के निवेशक सीबी के ऑफिस पहुंचे हैं। खबर इंदौर से, निवेशकों ने पूरी खबर बताने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आप पीएसएल इंडिया लिमिटेड, सहारा इंडिया परिवार या अन्य चिट फंड कंपनियों की सबसे पहले खबर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और साथ में एक घंटे का निशान भी आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारी इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आइए चलते हैं अब खबर की ओर। इंदौर से जहां पीएसएल कंपनी के निवेशक पहुंचे हैं सीबी के ऑफिस, तो पीएसएल कंपनी के निवेशक सीबी के ऑफिस पहुंचे हैं। खबर इंदौर से, निवेशकों ने दिया है ऑफिस के बाहर धरना। पीएसएल कंपनी के निवेशक हैं जो सीबी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। अधिकारियों ने निवेशकों से मिलने से भी मना कर दिया। बता दें कि 5 करोड़ निवेशकों से 50,000 करोड़ की ठगी का आरोप यहां पर है। पीएसएल कंपनी के निवेशक सेबी ऑफिस पहुंचे हैं और वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। पीएसएल चिट फंड कंपनी द्वारा निवेशकों के साथ किए गए धोखाधड़ी के बाद अब निवेशक एक बार फिर सेबी के दफ्तर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में निवेशक यहां पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी कर हजारों करोड़ों रुपए पीएसएल कंपनी द्वारा ठगे गए हैं। ये लोग पिछले कई वर्षों से लगातार अपना निवेश किया गया रुपया वापस मांग रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में आज सैकड़ों लोग सेबी के दफ्तर पहुंचे हैं और अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि अधिकारी खुद इनसे मिलने के लिए न तो इन्हें ऊपर बुला रहे हैं, न उनसे मिलने के लिए इनके पास तक पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रुपया निवेश किया था, अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी और इन्हें उम्मीद थी कि इसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या पूरा मामला है हम बात करेंगे, निवेशक हमारे साथ मौजूद है। क्या वजह है, क्यों बैठे हो आप लोग यहाँ पर? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हमारा पैसा पीएसएल कंपनी में जमा था जिस कंपनी को सेबी के द्वारा बंद किया गया है। सेबी ही वो ऐसा संस्थान है जिसको पिछले 20 सालों से कंपनी की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी थी और सेबी पूरी कार्यवाही के बीच में कंपनी को चलने दिया सेबी नहीं। और जब कंपनी में 50,000 करोड़ रुपए तक की राशि पूरे भारत वर्ष की जमा हो गई और इसमें आबादी की बात करें तो 6 करोड़ आबादी पूरे भारत देश की इसमें प्रभावित है। इसमें ज्यादातर मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का पैसा जमा है और सेबी के द्वारा इस कंपनी को अचानक से बंद कर दिया गया और सारी प्रॉपर्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के पास बिक्री के लिए रख दिया गया। सेबी को आज 28 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सेबी ना तो कंपनी की जमीनों को सही तरीके से बेच पाया, ना ही एक भी निवेशक का आज तक भुगतान कर पाया है। सेबी के अधिकारी इस तरह के हैं कि इन निवेशकों से मिलने को भी तैयार नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरह की बिहेवियर सेबी के अधिकारियों का है, इससे सवाल तो उन पर भी खड़े होते हैं कि कहीं कोई साजगार तो।